हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो चलते हैं हम अपने आज के इस मॉक टेस्ट में जो बी के सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग जितने भी आपके जेके एस एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है तो चलते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आप इन क्वेश्चनों को साथ साथ में करें और इम्पोर्टेंट बात कर दें आपको डेली बेसिस पे शाम को साढ़े आठ बजे जी के इम्पोर्टेंट सेशन इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट मिलते हैं और इनका इम्पॉर्टेंट पी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलता है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए

तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा फर्स्ट रेलवे लाइन वर लेट डाउन इन इंडिया अंडर विच ब्रिटिश गवर्नर फर्स्ट रेलवे लाइन जो लेट की गई थी वो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी लॉर्ड डलहाउजी लॉर्ड कर्जन लॉर्ड वेल्सले लॉर्ड लिटन तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लार्ड डलहाउजी ने जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी वो लेट डाउन की थी इंडिया में अंडर ब्रिटिश गवर्नर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट right आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय जो परमानेंट सेटलमेंट थी वो किसने इंट्रोड्यूस करी थी लॉर्ड वेंटिक ने लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने उसके बाद आ जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन ने उसके बाद लॉर्ड वैलिस ने ले द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय वो किसने की थी परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस करी थी तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस करा था लॉर्ड वेंटिक ने लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने लॉर्ड कर्जन ने लॉर्ड वेल्सले ने तो इसका राइट right आंसर आपने करके बताना है जो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवेलिस इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा आप भी इन क्वेश्चनों के आंसर साथ साथ में करें अपना स्कोर जरूर शेयर करें कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और किस हिसाब से आपकी जो प्रेपरेशन है वो चल रही है आपको अच्छे से हार्ड होके अपना प्रिपेयर अभी करना है नेक्स्ट क्वेश्चन द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेतवारी सेटलमेंट इन ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस रेतवारी सेटलमेंट कहाँ करी थी बंगाल प्रेजिडेंसी में मद्रास प्रेजिडेंसी में बॉम्बे में मद्रास एंड बॉम्बे प्रेजिडेंसी में तो इसका राइट आंसर आपने बताना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी मद्रास एंड बॉम्बे प्रेजिडेंसी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल द स्पाई म्यूटिनी स्टार्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आगरा ग्वालियर झांसी या जा मेरठ तो ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल द स्पाई म्यूटिनी कहाँ से स्टार्ट है वो हुई थी तो स्पाई म्यूटिनी जो स्टार्ट हुई थी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेरठ इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द स्पाई म्यूटिनी स्पाई म्यूटिनी के समय कौन गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड अलहौजी लॉर्ड हर्डिंग लॉर्ड लिटन तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग वाज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द म्यूटिनी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल कोरेक्ट ऑप्शन आपका होगा नेक्स्ट क्वेश्चन मंगल पांडे फायर द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ एटीन एट बैरकपुर मेरठ झांसी या जा कानपुर तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैरकपुर इस द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मोपला रिवॉल्ट ऑफ 1921 ट्वेंटी वन टू प्लेस इन कश्मीर बिहार केरला या असम तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरला इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका आएगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कोल रिवॉल्ट ऑफ एटीन थर्टी वन टू थर्टी टू वॉस लैड बाय बुद्धा भगत सुरगा सिंगराल जतरा भगत तो कोल रिवॉल्ट एटीन थर्टी वन टू थर्टी टू का कहाँ पे लीड हुआ था तो इसका राइट right आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर है बुद्धा भगत इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मुंदास रोस टू रिवॉल्ट इन मुंदास ने जो रिवॉल्ट था वो कहाँ पे रोज करा था 1885 88 90 अठासी तो इसका राइट right आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 1899 तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है राजा राम मोहन रायो समाज इन 1816 1820 1828 सो या 1830 तो ये आंसर आपने कमेंट सेक्शन में जैसे कैसे करके जो बताना है तो आज के सेशन में बस इतना ही इसका कंप्लीट पी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा पहले के अपलोडेड पार्ट्स को आप जरूर देखें जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना